ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब का स्वागत है। खबरें खबरों के सिलसिले को तोड़ देंगे तो हूँ गल करते हैं कुछ ही देर दे साबका मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की पेशी हो जा रही है। विजिलेंस ने रिश्वत देंद्या होया इसको गिरफ्तार किया। 50 लाख रुपए रिश्वत देंद्या इसको रंगे हथी काबू किया गया। जांच के नाव कढ़ने लिए 1 करोड़ रुपए की ऑफर इस वालों विजिलेंस के अफसर को दी गई थी। इस मामले के लगातार अपडेट और तक पहुंचा रहे हैं। हुण कुछ ही चिर सुंदर शाम अरोड़ा कोर्ट के पेश किया जाएगा। उस तो बाद रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जो बकायदा गलबात पहला भी विजिलेंस के नाल गलबात की गई थी, तुम्हें दस दिए कि पूरा मामला की एक बार फिर तो दरअसल सुंदर शाम अरोड़ा उत्ते जड़े कई गंभीर इल्जाम लगे हुए हैं, जिन्हों मामले उत्ते जांच भी चल रही है। तो उन्होंने मामले में रफा दफा करने लैके बकायदा सुंदर शाम अरोड़ा के वलों AIG मनमोहन कुमार को रिश्वत दी जा रही थी। उस तो बाद खुद पूरी प्लानिंग तो बाद विजिलेंस के वालों वड्डा खुलासा इस आविष्कार किया गया। रविंदर मीत बने हुए ने इस खबर तो उन्होंने रुका लेने। रविंदर सब तो पहले अपडेट की मिल रही है, कद तक पेश किया जाएगा? बिल्कुल 2 बजे तक जरा पेश किया जा सकता है सुंदर शाम अरोड़ा ने, क्योंकि इस मसले के पुलिस वालों रिमांड मिल गया था। रिमांड के पूछगिछ की जा रही है, होर बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी की जा रही है, क्योंकि इस मसले पूरे मसले के पुलिस को बहुत सारे एविडेंस है, क्योंकि रिकवरी हुई है 50 लाख रुपए की, वो भी एविडेंस पुलिस है पूरे मसले के लोग शामिल थे, क्योंकि गड्डी कैसी इस्तेमाल की गई, किसने इस्तेमाल की गई, क्यों इस्तेमाल की गई, जिस गड्डी के पैसा लिया गया, ये तमाम चीजें हाले तक खुलनिया बाकी है। तो इस मसले के 2 बजे के करीब कोर्ट के पेश किया जाना साबका कैबिनेट मिनिस्टर सुंदर शाम अरोड़ा ने। उस तो पहला पुलिस अपनी जो फॉर्मेलिटीज है तैयारियां जी है वो की कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल अगर गल करी तो सब तो पहला मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल करवा के उस बाद ही पेश किया जाना कोर्ट के। सो वाकई रविंदर देरी जरूर इस मामले के इंतजार जरूर इस मामले के रहेगा, पर नाल एक सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस कदों जवाब देवेगी, आखिर सवाल यह भी है कि आखिर भाजपा वालों कदों जवाब दिता जाएगा, क्योंकि लगातार असीं क्रमवार देख रहे हैं जो प्रतिक्रम सियासी आगुआं दे वालों दिते जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं बकायदा सियासी आगुआं दे वालों कि अपने आप नूं इन्हां केसां तों बचाउण दे लई भाजपा वल दा रुख किया गया सी, ते तां वी अड़ीका चढ़ चुक्या हुण डबल करप्शन दे चार्जिस लग चुके ने। आने वाले समय दे विच जरूर कह सकदे हां कि कई मंत्रियों दे होर नाम साबका मंत्रियों दे होर नाम सामने आ सकते हैं, साबका विधायकों दे नाम सामने आ सकते हैं, IAS ऑफिसर्स दे नाम भी क्योंकि मामला बहुत वड्डा गंभीर मामला है, क्योंकि इस मसले के साबका मंत्री जो सुंदर शाम अरोड़ा है उन्होंने तो कई सारिया परतं खुली गई, उन्होंने तो पूछा जा रहा है, क्योंकि मसले के करोड़ों का अरबों का जोड़ा है घोटाला होने की संभावना दिखाई जा रही है। विजिलेंस वालों इस पूरे मसले के जांच की जाएगी। कांग्रेस जी की लगातार पोलिटिकल वेंडेटा करने की भगवंत मान सरकार से आरोप ला रही है, उस वालों हुण की है पूरे मसले के जवाब दिता जाना। हालांकि हुण BJP के शामिल हो चुके थे सुंदर शाम अरोड़ा, लेकिन हुण जो पार्टी वालों जवाब बनता है, क्योंकि घोटाला कांग्रेस के मंत्री बनने के दौरान होया कि कांग्रेस जो सरकार के मंत्री थे, तो उस बाद BJP के शामिल होए थे पिछले 2022 के विधानसभा इलेक्शन से पहला, तो काफी ज्यादा जरा सुनहरी चेंज होया कि बदलिया, बहुत सारे हालात बदले थे। तो हुण कांग्रेस वालों भी इस पूरे मसले के जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सामने समय घोटाला होया, लेकिन हुण BJP के जो एक लीडर के तौर पर उन्होंने अज BJP के शामिल हो गए हुए, तो BJP के लीडर है, हुण करप्शन के आरोप उन्होंने हुण भी लगे हुए हैं कि करप्शन उन्होंने इस मामले की है, करप्शन कराने की कोशिश की है, क्योंकि 50 लाख की रिकवरी पूरे मसले के हुई है, 1 करोड़ देने की गलबात हुई थी, और दो पार्टियां वालों जवाबदेही बढ़ गई है। हालांकि इस पूरे मसले के
ठीक है, फिलहाल ही थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। इस अहम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आज करीब 2 बजे पेश किया जाएगा कोर्ट के विच। इस आविष्कार भी जो जानकारी मिल रही है कि कई होर वड्डे खुलासे होने की उम्मीद भी है, कई परतां आने वाले समय के खुलन दिया। साबका मंत्री मामले के शिकायतकर्ता ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜਦ ਤੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਕਾਇਦਾ। ਪੀਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਐਸਜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ऑफर दी गई सी, ते भी गल आखी गई सी 1 करोड़ ते 1 करोड़ तो वादी रकम तुहानू दिती जाएगी, पर तुहाडा काम इको होवेगा कि तुसी सारे केसां दे विचों तमाम केस भावें ओह जमीन की वंड नू लैके होवे, प्लाटा की वंड नू लैके होवे, आमदन तो वध जायदाद के मामले नू लैके होवे, जिसकी सुपरविजन बकायदा एआईजी मनमोहन कुमार दे वल्लों ही की जा रही सी, तां उन्हां दे वल्लों आख्या गया कि सुंदर शाम अरोड़ा दे वल्लों अपील की गई सी, गुहार लगाई गई सी। बिल्कुल देखो जी, सुंदर शाम अरोड़ा को 50 लाख रुपए की रिश्वत देने दे मामले दे विच गिरफ्तार किया है। AIG मनमोहन जिहड़े सीगे उन्हां नूं इह 1 करोड़ रुपए की उन्होंने जिहड़ी कि ऑफर दित्ती सीगी, की ऑफर दित्ती सीगी इस वेले साडे नाल मौजूद ने शिकायतकर्ता मनोहन सिंह जी, उन्होंने गल करदे आ। मनोहन शर्मा जी, सर की सीगा इह तुहानूं किहड़े मामले तुसीं जांच कर रहे सीगे ते तुसीं की शिकायत जिहड़ी कि विजिलेंस नूं दित्ती जिहतों बाद सुंदर शाम अरोड़ा नूं गिरफ्तार किया गया? इन्हां दी विजिलेंस इनकुआरी साडे कोल चल रही सी प्रॉपर्टी दे बारे, तो वो दे फिलिप्स ते JCT का मैटर भी सगा, तो वो संबंध में असी इन्हें 2 बार बुलाया सगा, तो पुछगिछ तो बाद चले गए। ये हुशियारपुर के रहने वाले मैनू मेरे उत्थों पिछों को, मैं भी उत्थे दा मेरे वाकफ कर सके, तो इन्होंने मेरे नाल परिवारक गल्लां करके मैंने कहा भी मैं तुहानू मिलना चाहुंदा आ ते तुहाडे घर आना चाहुंदा। मैं तुहानू कहा भी मैं कहा दसो कोई गलबात हैगी, कहिंदे नहीं मेरी जरूरी है, घर दीआं गल्लां करके मेरे कोल घर आ गए। घर आ के इन्होंने मेरे नाल परिवारक गल्लां करन तो बाद ये शुरू किया भी मैनू इस केस तो बचाओ, भी मैनू बड़ी टेंशन है, भी तुसी दसो भी किन्ने तुसी करने आ करोड़ या वध, इदां गल करके मैनू कहिंदे भी मैं 1 करोड़ तक कर लैंदा ते बाकी मैं तुहानू कल नू 50 लाख कल नू दे जांदा। मैं उहनू मना किया, मैं कहा जी तुसी इस चक्कर 'च ना पो, भी इह 'च जे बड़ी फेयर इनकुआरी होगी, जे तुसी क्लीन होए तां तुहानू असीं क्लीन चिट दे दांगे। ये कहिंदे नहीं मैं तां व्यापारी बंदा आ, मैनू पता आ भी पुलिस नू किदां टैकल करना आ, तो मैं कोई नहीं मैं कल आ रहा कह के मेरे नाल हाथ मिला के तो चले गए। जिस संबंध में मैं अपने चीफ सर विजिलेंस वरिंदर कुमार साहब नूं उस वेले नोटिस लिया भी सर आह मैटर है, तो उन्होंने फिर CM साहब नाल गल की, तो CM साहब ने फिर DG साहब नूं कहता भी तुसीं जो इहदा प्रोसीजर बनता है उन्होंने अडोप्ट करो। उस संबंध में फिर नैक्सट डे इन्होंने मैनू असी अपना प्रोसीजर अडोप्ट शुरू करता। नैक्सट डेट इन्होंने अपना मैनू शाम नू वही कॉन्टैक्ट किया फोन करके भी असी मैं तुहाडे घर दे नज़दीक आ गया भी दसो भी कित्थे हो तुसीं, मैं कहा जी मैं तो घर है नहीं, तो उस तो बाद कहिंदे कित्थे हो, मैं कहा जी मैं तो कॉस्मो मॉल च जीरकपुर, तो ये जीरकपुर उत्थे कॉस्मो मॉल आ गए, उत्थे आ के मैनू इन्होंने कॉन्टैक्ट किया भी तुसीं कित्थे तुहाडी गड्डी कित्थे आ, मेरी सरकारी गड्डी सी, मैं गड्डी दे विच साइड ते खड़ी सी पार्किंग च, मैनू कहिंदे आओ तुहाडी गड्डी च बैठदे आ, ये मेरे ना ला के मेरी गड्डी बैठ गए। गड्डी बैठने तो बाद इन्होंने 1 मिनट मेरे ना गल की, तो फिर ये गड्डी चो उतर के बाहर इन्होंने बाहर इशारा किया, इन्हों का PA मनी सेगा, तो वो एक बैग लैके क्रिस्टा गड्डी तो अपना इन्हों हाथ से फड़ा के गड्डी के इन्होंने रखा बैग के अंदर गड्डी बैठ गए। मीन टाइम जो साडा प्रोसीजर होंदा विजिलेंस का वो अडोप्ट करके असी ट्रैप ला के घेरा पा के उत्तों फड़ लिया विद कैश। सर ये जो कैश किदा दे नोट सीगे, दूजी गल ये कि जो केस तुसी दसे, 2 केस दसे, इहदी इनकुआरी तुसी कर रहे हो इस पूरे मामले, जो मामले पहला भी 2 बारी पुछगिछ वास्ते आए सीगे? हाँ जी, वो मेरी सुपरविजन च चल रही है, मेरी सुपरविजन च चल रहा है, दोनों अजय कुमार DSP कर रहा है, मैं ही उन्होंने सुपरवाइज कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, हूँ जे जो तुम दसागा किन्ने की थोड़ा ऑफर की, 1 करोड़ की या वध की? 1 करोड़ कहता, इस तो वह जिन्हें हो कर देंगे, पर मैंने इस केस चो कडो कहते, ये कडो ये केसी इन्होंने ना जदों आए साढ़े को, जो हम पुछगिछ पता लगा सगा भी ये पिछों किया गड्डी आए थे, तो इन्होंने मारविला वाले की क्रिस्टा गड्डी लैके रस्ते चो एयरपोर्ट रोड तो गनमैन वगैरह उत्थे छड़ दते, तो अपने PA तो उन्होंने ड्राइवर नाल मारविला वाले दे मेरे को उत्थे आए।
जी थोड़ी शिकायत है वो कि मामला दर्ज किया गया तो हूँ तुम अज कदों उन्होंने कोर्ट के पेश किया जाएगा तो जे रकम है काफ़ी मोटी रकम है 50 लाख कितों आए की जांच आएगा यस यू असं कर रहे हैं तो पेश कर रहे हैं इस संबंध में इन्हों को पूछगिछ कर रहे हैं भी कितों लिया है क्योंकि ये गए हुशियारपुर उस पोबले अपने घरों लैके आए हैं तो वह भी जांच का विषय है उसी कल साड़ी विजिलेंस टीम ने उत्थे भी चैक किया इन्हों का घर चैक किया है तो वो रिपोर्ट लैनी बाकी मैडिकल हुण करा के तो अज इन्हों पेश कर देंगे। हाँ जी जो दो मामले उन्हों का स्टेटस की है जो दो मामले चलते पे है जी एक तो आमदन तो वध जायदाद का मामला एक 1500 करोड़ कोई जमीन का घोटाले का है लुधियाने का जो दस रहे होना का की स्टेटस है जी लुधियाने का नहीं इतने का ही चल रहा जी अपना मोहाली का चल रहा है इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से प्लॉटों की अलॉटमेंट से थोड़ा बहुत लगता भी कुछ गलत होया क्योंकि इनक्वायरी काफ़ी चिर तो पेंडिंग पई हुई है तो वो इन्हों का रोल सानू डाउटफुल लगता सो चैक कर रहे थे।